आप मुझे इंटरफेयर मत करिए और बोलने दीजिए पहले। डोंट इंटरफेयर आपके, और डरिए मत मेरी बात से। बोल रहे हैं विवेक, घबराइए मत, वामपंथियों से डर बहुत लगता है आपको। हमारे सत्य से डरिए मत, सत्य से डर लगता है दीपक चौरसिया आपको, इसीलिए सत्य को बोलने नहीं देते आप। विवेक श्रीवास्तव जी, आप ही का संगठन है ना जो नारे लगाता था उन लोगों के मानवाधिकारों के लिए जो हमारे 5 AJC और 4 लोग शहीद हो गए, उनको आतंकवादियों के मानवाधिकार दिखते थे, उनको नक्सलों के मानवाधिकार दिखते थे, और टारगेटेड किलिंग का आरोप वो सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस पे लगाते थे। ये आपके AISF के लोग थे ना JNU में। अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आप सुन लीजिए मेरी बात को साफ और स्पष्ट जी। अब आप सुनिए, मैं ये संजू वर्मा की तरह रिपोर्ट कार्ड लेकर के नहीं बैठता हूं, और ना ही मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए 70 साल पहले जाकर के विपक्षी पार्टी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करता हूं। अगर आप पूरा वक्तव्य अगर आप बीजेपी की प्रवक्ता का सुनेंगे, आपको क्वेश्चन करना चाहिए था, भाई आप बीजेपी की है, आप सेंट्रल की गवर्नमेंट है केंद्र में, आप अपने रिपोर्ट कार्ड को जस्टिफाई करिए। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे। आपका ह्यूमन रिकॉर्ड्स बैड है, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई, वहां भी कमला ने आपको यही बोला प्रधानमंत्री को कि भारत का ह्यूमन राइट्स ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है पूरे विश्व में। ये बताइए ना, ये कौन है ये सब वाले जो लगाते हैं? आप क्या लम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये कातिल जुडिशियल किलिंग का सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। बताइए ना, अब आप सुनिए, आप ही की विचारधारा के लोग है ना जो आज रात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी विचारधारा सुनिए सर, अब आप सुनिए मेरी विचारधारा के बारे में। आपको ज्ञान नहीं है, और या तो ज्ञान है तो आप छुपाते हैं। 1947 से लेकर के 1990 तक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टीज ऑफ दिस नेशन वाज द लेफ्ट, ये आपको मालूम है कि नहीं? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जब हुआ था तो वामपंथियों के प्रेशर में हुआ था, आपको मालूम है कि नहीं? 35 साल हमने बंगाल में रूल किया, आपको मालूम है कि नहीं? फिर क्या विचारधारा की बात आप करते हैं? ये जो दंगाई 7 साल से केंद्र में सरकार चला रहे हैं और हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयां हो रही है, चिंता मत करिए। हाँ नहीं नहीं, जवाब मुझे देने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए पहले। आपके आपने प्रवक्ताओं को समय दिया, नारे लगा सकते हैं। मैंने सुनिया, आप पहले मुझे, आप मुझे समय दीजिए बोलने का, आप मुझे इंटरफेयर मत करिए और बोलने दीजिए पहले। डोंट इंटरफेयर आपके, डोंट इंटरफेयर आपके, आपने दोनों प्रवक्ताओं को टाइम दिया है, और डरिए मत मेरी बात से। बोल रहे हैं विवेक, घबराइए मत, वामपंथियों से डर बहुत लगता है आपको। का किए? कूट दिए, कूट दिए। आप बोलने दीजिए साहब, गया जो डर गया वो मर गया। डर लगता है क्योंकि हमारी सुन तो लीजिए, विचारधारा से, हमारी विचारधारा से डरिए मत, हमारे सत्य से डरिए मत, सत्य से डर लगता है दीपक चौरसिया आपको, इसीलिए सत्य को बोलने नहीं देते आप। मैं डरता वरता नहीं, आप बात कंप्लीट करिए अपनी। ये नारे क्यों लगते हैं? आपकी विचारधारा के लोग रात में सुप्रीम कोर्ट क्यों बुलवाते हैं? एक मिनट दीजिए, सुनिए आप मेरी बात को साफ साफ। इस देश के अंदर जितने तंत्र हो, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे किसी अन्य राज्य की पुलिस, चाहे आर्मी, चाहे जुडिशरी, चाहे ब्यूरोक्रेसी, सबको कानून के तहत काम करना पड़ेगा। अगर दिल्ली पुलिस भ्रष्ट होगी, सवाल उठाया जाएगा। वेल डन। अगर दिल्ली पुलिस आकर के JNU में लेफ्ट के लड़कों के खिलाफ केसेस गलत चार्जशीट लगाएगी, सवाल उठाया जाएगा। विवेक जी बात तो जी जवाब दीजिए, आप खुद अगर उस वक्त, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बात करी जाए मुफ्ती मोहम्मद सईद की, उस सरकार को तो लेफ्ट फ्रंट का भी समर्थन था भाई। आप लोग क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं बचाया कश्मीरी पंडितों को? बताइए, मेरी बात सुनिए साहब, बताइए आपने क्यों नहीं बचाया कश्मीरी पंडितों को? आप मेरी बात सुनिए, कश्मीरी पंडितों, हाँ सुनिए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो बुरा था, सब उसकी निंदा करते हैं, लेकिन यहाँ बैठ करके कश्मीरी पंडितों को वोट बैंक बनाने वाले सुशील पंडित का कोई मॉरल राइट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के काले चिट्ठों को ये छुपाते हैं, और इनका मकसद सिर्फ कश्मीरी पंडितों के NGO चला करके रोटी सेकना है। यहाँ आकर के हिंदू मुसलमान करना, ये कोई अच्छी बात है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित बड़े तरीके से हुआ, सभी पार्टियों ने अपने अपने राज्यों में कश्मीरी पंडितों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। म्यूजिक। अरे झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे बाबा बाबा, अरे बाबा बाबा, अरे बाबा बाबा, अरे बाबा बाबा।